अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद जाफर आपका टीवी 31 न्यूज़ चैनल में खैर मकदम करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। अभी यहां पर जो हबीब नगर पीएस के स्टाफ आया है, पुलिस आई है, किस सिलसिले में आई है, आपको कुछ अरेस्ट वगैरह कर रहे हैं मालूम है, तो इसके ऊपर क्या बोलना चाहिए आप, क्यों अरेस्ट? ये वो बिलावल जी के जुल्म हो रहा है मेरे पे। शुरू से जो है पुलिस को वक्फ बोर्ड और जो है ये मौजूदा मुतवली, क्यों बिलावल जी के जुल्म कर रहे हैं आपको, किस मकसद पे? मेरे को आने नहीं देना चाह रहे, मेरे को घर के बाहर नहीं निकलना। कहाँ पर? क्योंकि दरगाह शरीफ में नहीं आना, मैं ज्यारत करने को नहीं आना, मैं जेले में, मैं आवाम के जैसा, मैं इन आके बोले आप जुलूस निकाल रहे, मैं बोला मैं जुलूस हरगिज नहीं निकाल रहा हूँ, नहीं आप सेलिब्रिटी है, आप निकले तो हज़ारों लोग जमा हो जाते, तो मैं बोला मेरे को क्या ताल्लुक है उससे, मैं बोला मुर्दा निकला तो भी हज़ारों लोग आते पीछे मेरा, तो जब मेरी मैयत को भी अरेस्ट करेंगे क्या? तो नहीं, आपकी जो आप जो मुतवली है उनसे दुश्मनी है या वक्फ बोर्ड से दुश्मनी है? वो मुतवली को आमदनी है ना साहब, मेरे को तो आमदनी कुछ भी नहीं है। क्या आमदनी है मुतवली को? पूरा गल्ले उन्हों ले रहे, उनको किराए उन्हों ले रहे, और गल्ले किराया तो ऑफिशियल आमदनी है, दूसरा मुजावरों से पैसे ले रहे, खवालों से पैसे ले रहे, हम जिंदगी में नहीं सुने कोई दरगाह में गिलाफा बेच रहे। मेरे ज़माने में, मेरे बाप दादा के ज़माने से जो जो गिलाफा चढ़े आज तक मेरे पास महफूज है, आपको बता सकता हूँ मैं पूरा ज़खीरा। मैं एक बेद भी नहीं होने दिया सरकार की, इन्हों आए जब से इन्हों सिर्फ पैसे, मेरे को ऐसा नज़रिया है कि आजकल के जैसा सेठ लोग हैं माल कमाने वाले, अंबानी पंबानी उनके जैसे ज़हनियत रखते हैं ये साहब जो मौजूदा मुतवली है, समझिए ना। और कई चीज़ें इनके जो है ना, अब मैं क्या बोलूँ आपको, खबरों में आमदनी, खबरें बेच दे रहे, मेरे पे इल्ज़ाम लगाए खबरें बेच रहा बोल के, इन्हों बेच रहे। अच्छा वक्फ बोर्ड मेरे पे इल्ज़ाम लगाया, मेरे को जो इल्ज़ाम लगा के रिमूव करे, तो इन्हों जो है खबरों की जगह जो है दुकानों को बेचे बोल के। मैं कभी, मेरा एक किरायानामा बताओ आप खबर पे कोई दुकान का, मैं बेचा, मैं दिया तो किराए पे दिया तो मैं पसूंगा ना। वक्फ बोर्ड वाले आके 25 दुकान आप 50, मेरे ज़माने में देखिए आप तय बाजारी का सिस्टम था दरगाह, ये खबरों पे गरीब लोग दुकान लगा लेते थे, प्लास्टिक बिछा के टोकरे में वो रख के बैठ जा रहे, नहीं फूल के टोकरे रख के, वहाँ हर दरगाह में होता है, नहीं फूल के वहीं चढ़ने के फूल रहते ना वो रख के बेच लेते, वहाँ ऐसे दुकान रहते थे, समझे ना। इन लोग तो बाजाबता शटरा लगा के वक्फ बोर्ड आए जब से सैकड़ों दुकान खबरों पे दला के किराए ले रहे उनसे, खबर के किराएदारान खबर को किराया दे, मेरे बाप दादा के खबरों पे दुकान डाल के किराए ले रहे, ये मजाज है वक्फ बोर्ड का, ये कौन से कानून के तहत बोला? किसी से ऑब्जेक्शन नहीं है वक्फ बोर्ड को ना मुतवली, तो सिर्फ आपसे ही क्यों ऑब्जेक्शन है जी? मुतवली और वक्फ बोर्ड को किसी दूसरों से ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आपसे ही क्यों है ऑब्जेक्शन? मेरे से इसलिए है, उनके आईबा निकाल के दिखा दो ना, परसों आके ये चीफ इंस्पेक्टर अब जो मेरे को हाउस अरेस्ट करने को बोल रहा, इसको कोई बजाज ही नहीं हाउस अरेस्ट करने का, आके जो है ना गरीब लोगों को ऐसे, ये मेरे आप रात में आके फिल्म लियो यहाँ, मैं घर में सुला रहा हूँ इनको 3 साल से दरगाह में से करे, तो ये दरगाह मस्जिद मंदिर किसके वास्ते है? गरीबों के वास्ते है ना। वो ऐसी बुढ़ी है साहब, भीख मांगने भी नहीं आता, भीख नहीं मांगी तो जी भी नहीं सकती, वहाँ जाके बैठ के हगलेरी जगह पे मुत ले रही, उसको वो बड़े बड़े मिनिस्टर ना साहब, तुम इनको कहीं को पकड़ ले, नहीं वो चोर है साले उनको पकड़ो, नहीं नहीं जी मेरे सामने बड़े बड़े लोगों को गालियाँ नहीं देना, बोला मैं गालियाँ दे रहा हूँ। अच्छा तो, आज फिर झेला है तो फिर आप इसमें, आज झेले में जो है ना, पहले तो मेरे को सज्जा राना चीनी का कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का। कब का ऑर्डर है आपके पास जी? ऑर्डर कब का है ये? मेरे को जब ये रोका गया पहली बार वक्फ बोर्ड जब मेरे मामलात में मदाखलत करा, जब मैं ऑर्डर लिया था, जब का ऑर्डर है? बीच में कुछ टर्मिनेट भी हो गया ऑर्डर? नहीं नहीं नहीं, वो ऑर्डर हाई कोर्ट का ऑर्डर, लोअर कोर्ट का, लोअर कोर्ट टर्मिनेट करता हाई कोर्ट के ऑर्डर को। आप बोलो कानून, वकील आता ना, वकील बोलता आपको कानून, मेरे राइट्स वक्फ एक्ट के हिसाब से प्रिजर्व है, वक्फ एक्ट के हिसाब से 64-2, 64-6 पढ़ो आप वक्फ एक्ट में, नहीं मेरे वक्फ एक्ट के इन्हों बोलते नहीं निकलना, आप जुलूस नहीं निकालना, मैं बोला मैं जुलूस निकाल रहा हूँ नहीं भाई, मैं जुलूस नहीं निकाल रहा हूँ,
मैं आम आदमी के साथ शरीक होने जा रहा हूँ, नहीं अब मेरे दोस्त आए हिंदू आप भी है मुसलमान है, देखो आप नाथ नाथ जी ये नाथ है, मेरे दोस्त आए सब पासों हिंदुस्तान में सब सरकार के उरस में, इन्होंने नागपुर के उरस को आते हैं, गुलबर्ग के उरस को आते हैं, उन्होंने यहाँ देख के परेशान है हैरत में, ये क्या हो रहा है। उनके वो सज्जाद नासिर यक्स मुतवली है, उन्होंने यूसुफ़ दरगाह से पंजे शाह तक वो प्रोसेशन निकालने का परमिशन नहीं लिया, उन्होंने प्रोसेशन लेने का वो तैयार करे, इसलिए मैं प्रोसेशन नहीं निकालना, आपको आपके पास परमिशन नहीं है ऐसा इसलिए बोल के उनको रोका, परमिशन नहीं ना वो प्रोसेशन नहीं लेना ऐसा बोल के रोका हो सब। उन्होंने ये बोल रहे कि प्रोसेशन नहीं निकाल रहे, वो लोग ज्यारत के लिए जा रहे बोल के, तो उसके लिए परमिशन का हमको जरूरत नहीं है बोल के बता रहे साहब। यह उन्होंने उधर गए तो भी वो अभी तक जाना है, वो उन्होंने ऐसी बोल के बाहर ऐसा जाके ऐसा वो करने का और कुछ गड़बड़ करने का उसमें सोच रहे, मेरा इंफॉर्मेशन भी आया, वो इंफॉर्मेशन के बारे में उनको रोका, वो प्रश्न नहीं लेना बोल के उनको रोका। उनको हौजरस करे साहब ऐसा नहीं, वो हौजरस नहीं करे, वो बोला उन्होंने भी ऐसा सोच रहे, मैं हौजरस नहीं करे, वो खाली उनको बोला वो प्रश्न नहीं निकालना, आपको परमिशन नहीं लिया आप ऐसा बोला।